से आप डायरेक्टर भी और राइटर भी? इसकी शुरुआत हुई करीब डेढ़ दो साल पहले जब मैंने इस कहानी को लिखना शुरू किया था, तो और ये कहानी मेरे आसपास के अनुभवों से और तजुर्बों से ली गई है, मेरे परिवार से, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, जहाँ कहीं कुछ घटनाएँ घटी हैं उन सबको मिला करके फिर मैंने एक कहानी लिखी। और कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि करीब दो साल का सफ़र रहा होगा सब मिला कर, दो ढाई साल। वक्त का तो ऐसा है कि सब अपने, इतना तो अब हमको समझ में आया कि अपने समय पे होता है सब, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अचानक से मैंने फिल्म बना ली है। फिल्म बनाने की कोशिश मैं पिछले 8-9 साल से कर रहा हूँ, लेकिन जब चीज़ों को होना होता है वो तभी होता है। तो कुछ कहावतें जो हैं आप बोलते रहते हैं लेकिन जब जीते हैं तब जाकर समझ में आता है। तो इन दिनों समझ में आ रहा है कि अपना वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा इस कहानी में, इस काव्य में जो दम है वो आप समझ में आ रहा है। तो बनाने का वक्त जब आया तो अपने आप चीज़ें बन गई। हमारे लिए वक्त के पुकार किस्मत की मार, इनको हमारे साथ ही करना था काम, चारा ही नहीं था। बताइए इसकी वजह। इसकी खास वजह ये है कि लोग सिर्फ मेरी कॉमेडी फिल्में ही ज़्यादा देखते हैं। मैं संजीदा फिल्में भी करता हूँ लेकिन वो शायद लोगों को पता नहीं, क्यों पसंद नहीं आती है। मुझे बाहर अवार्ड मिल जाता है लेकिन यहाँ बॉक्स ऑफिस पे लोग कहते हैं नहीं 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 आप फ़नी में ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो जो लोगों की पसंद मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके सामने हमारी नई पेशकश खजूर पे अटके। सर यही सवाल भाई, ऐसा होता है कि एक आदमी तो बैठा है अपनी दुकान खोल के हलवाई की, ठीक है, उसके अंदर उसने समोसे कचौड़ी भी रखे हैं, गुलाब जामुन भी रखे हैं, वो भी रखा है, 20 वैरायटी उसको रखी हुई हैं, उसको कुछ ऑर्डर देंगे तो मालपुए भी बना देगा, उसको तो सब कुछ आता बनाना। अब अगर उस दुकान का समोसा ही हिट हो गया और सबको समोसा ही खाना है तो बंद थोड़ी कर देगा कि नहीं भाई अब मैं समोसा नहीं बेचता, क्योंकि उसे दाल रोटी भी खानी है, बच्चे भी पालने। तो हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कई बार कि कई किसी चीज़ में लोग बैठ जाता है दिमाग में कि भाई ये कॉमेडी वो फिल्म देखी थी तो अब कॉमेडी करते हैं ये, तो हाँ दूसरा आदमी तो सोचता है जब चलो जब तक समोसे बिक रहे हैं वो तो बेचो, जब दूसरा कोई मांगेगा बीच में तो बढ़ा देंगे उसको, मार देंगे दे देंगे। और बीच बीच में अच्छे ऐसे लोग आते भी हैं जो अलग कर आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनका वो है। तो पिक्चर की बात करें तो आपकी वाइफ भी काफ़ी आसान हो जाता है काम करना। भाई मैंने तो कहा था कि मेरी भी वाइफ लेकर आए, लेकिन डायरेक्टर साहब और राइटर साहब को ये मंजूर नहीं था। बाकी के हमारे दोस्तों ने कहा क्यों अपनी अच्छी भली खुशहाल ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो, तो मैंने दोस्तों की सुनी, मैंने कहा ठीक है मैं सिंगल ही सही। आगे नेक्स्ट सवाल। अरे जवाब बीवी साथ में काम करे तो अच्छा ही है, अच्छा रहता है, साथ में आते हैं साथ में जाते हैं, बस इतना ही होता है कि थोड़ा होटलों का बिल बढ़ जाता है, घर पे खाना बनना बंद हो जाता है और कह भी नहीं सकते ये क्या बनाया है, तो साथ में ही आइए काम करके ही आइए, तो भाई एक काम करते हैं ऑर्डर ही दे देते हैं, मंगवा ही लेते हैं, तो बस इतना ही फर्क पड़ता है। आसान भी बोल रहे हैं सफ़र भी बोल रहे हैं, बताइए। सफरिंग कभी आसान नहीं होती, कभी आसान। देखिए जीवन ही सफ़र है, समझ रहे, बहुत लंबा चौड़ा पड़ा, तो उसमें सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, जीना पड़ता है और ज़िंदगी निकल जाती है। तो अब पत्नी है तो ठीक है, तो सेट पे हम लोग सोच समझ के जो है विभाग करने की कोशिश करते हैं और काम करने की कोशिश करते हैं, और ऐसी कोशिश करते हैं कि भाई घर पे जो है वो पति पत्नी अलग है, सेट पे जो है वो डायरेक्टर एक्टर है, और इन चीज़ों को मिक्स ना किया जाए और थोड़ा बहुत सफ़र हो जाता है। वाइफ को लेकर के तो ऐसे किस्से हैं लेकिन यहाँ बात नहीं की जा सकती। मतलब हमें लग रहा है हमारी शक्ल देख के ही ये पूछ रहे हैं कि अच्छा
आपने जब एक बार झूठ बोला तो आप पकड़े गए कि नहीं, ये कभी नहीं इन्होंने पूछा हमसे कि भाई आपने कभी झूठ बोला है, ये मान के चल रहे हैं कि हमने झूठ बोला है, और पकड़े गए तो कितनी चपेट लगी है उसके बारे में आपको बताइए। मैं आपको बता दूं, शक्ल पे ना जाएं, हमारी छवि पे ना जाएं, हम बिल्कुल ही सत्यवादी लोग हैं, हम झूठ भी सच की तरह बोलते हैं, झूठ के द्वारा भी हमने सारा सच की तरह बोला है, हमारा काम ही है, काम ही है एक्टिंग करना, झूठ को सच की तरह ही बोलते हैं। स्टारडस्ट की बात करें, कितना मजा आया सना जी ने पहली बार दूसरी पिक्चर है उनकी, उनके साथ कितना अच्छा एक्सपीरियंस है सर आपका, और सीमा जी के साथ, सभी स्टारडस्ट के साथ कितना अच्छा अनुभव रहा आपको? वो अच्छे से, जब आपके अच्छे एक्टर होते हैं वो आपका सीन समझ लेते हैं, उनको पता रहता है आपको क्या चाहिए, और वो समझ के काम करते हैं। जैसे कई बार कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो पूरे सीन को अपने ही हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, या पूरे सीन को अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं, या मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर तुमसे पूछ नहीं रहा कि तुम्हें क्या लगता है। ये कहानी का किरदार ही है, और आपको एज एन एक्टर इसलिए लिया गया है क्योंकि हमें मानते हैं कि आप इस किरदार में कर सकते हैं। आपको अगर यही लेना था कि आप जो कर सकते हैं उससे ज़्यादा आपको नहीं पता, तो फिर स्क्रिप्ट में आपका काम है। वो दिक्कतें कई बार आती हैं जो इसमें मुझे बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि ये सारे एक्टर इतने सुलझे हुए हैं और इनके किरदार एक बिल्कुल, मैंने इन लोगों ने जैसे शूटिंग से पहले ही मुझे खुद ही आगे लोग कहा था रीडिंग करनी चाहिए, एक्टर के साथ बैठ के समझ लेना चाहिए, स्क्रिप्ट होनी चाहिए, रीडिंग सीन समझ लेना चाहिए, वो क्या करेगा मुझे पता होना चाहिए, मैं क्या करूँगा उसको पता होना चाहिए, तो पहले ही से उस तरह काम कर रहे, तो उसमें कोई दिक्कत का मैंने, मेरे लिए तो बहुत बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सर, सर के साथ मुझे याद है 2008 काम किया, हमेशा अनुभव एक जैसा रहा या डायरेक्टर कुछ अलग ही फर्स्ट वीकनेस दिखाई दी है? नहीं, उसके पहले भी हमने एक बहुत पहले एक टीवी सीरियल में हमारा कुछ एक सीन आगे बहुत लंबी दूर श्वेता साहब भी थी, काम भी हाँ थ्रिलर था कुछ ऐसा, तो लेकिन उसके पहले से हम दोस्त रहे हैं, और हमने टीवी पे काम भी किया है जैसा कि आपने बताया, फिल्मों में भी आपने जैसा बताया हमने काम किया है। आप बहुत कम लोगों को पता है कि हमारी फिल्म भेजा फ्राई में हर्ष जी भी थे, थोड़ी देर के लिए मैं बताऊँ, किसी को याद नहीं है, और मुझे वो सीन याद है, बहुत अच्छा सीन है, इनके डायलॉग्स भी याद हैं, फिर तू तो बताता रहता है मजा से, दिखा अपना अपना वाला मुर्गा। हाँ, तो हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, हम हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है, इनकी सेंसिबिलिटी से हम वाकिफ़ हैं, इनकी सेंसिबिलिटी के हम कायल हैं, इनके हुनर के हम कायल हैं, तो जब इन्होंने अपनी फिल्म के लिए मुझे सटीक समझा, मुझे माफिक समझा, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये तो मैंने सोचा नहीं, ये कहानी में खुद ही सोचवाया है, क्योंकि कहानी ही इस किस्म की है कि सारे किरदार जो हैं कहीं ना कहीं फंसे हुए, तो उसमें अपने आप से ये कहानी अपने स्कूल से पढ़ी हुई कहावत है, तो इनफैक्ट यही चीज़ सबसे पहले दिमाग में आई और लगा कि यही ठीक है, तो उसी में से मैंने टाइटल बना लिया। बहुत ही कमाल, फिल्म स्पेसिफिक चले हम, अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लगता है कि कलाकारों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए।